कल उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में क्या हुआ ये खबर आपने सुनी। जिस इलाके में कल प्रशासन की टीमों को घेरा गया, उन पर पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, वो इलाका वनभूलपुरा का है। इस इलाके के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उस मामले के बारे में बताऊंगा जिसने पहले भी उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में खूब बवाल मचाया है। दुनिया भर से मुस्लिम परिवारों के लिए मदद आनी शुरू हो गई थी, उसके बाद सोशल मीडिया समेत देश में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले और धामी सरकार पर लोगों की दो हिस्सों में राय बट गई थी। क्या था वो मामला मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में रेलवे से करीब 2.5 किलोमीटर तक अवैध रूप से जमीन कब्जाई गई है। कब्जाई गई जमीन करीब 78 एकड़ है, जो पिछले 50 सालों से धीरे धीरे अतिक्रमण की जद में आती रही। पहले एक परिवार आया, वो अपने सगे संबंधियों को लाया, फिर बच्चे हुए, परिवार बड़ा और विशेष समुदाय के लोग यहाँ बढ़ते गए और करीब अब 50,000 तक पहुँच गए हैं। और ये इलाका कौन सा है? यह इलाका है वनभूलपुरा। वही वनभूलपुरा जहां कल पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके गए, उन्हें मारने की कोशिश की गई और उन पर जमकर पत्थरबाजी हुई। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पिछले साल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा और गफूर बस्ती में अवैध तरीके से रह रहे करीब 50,000 लोगों को रेलवे की जमीन से हटने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने 7 दिनों के भीतर लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया। नोटिस जारी होने के बाद हल्द्वानी में शाहीन बाग पैटर्न में विरोध हो गया। महिलाएं बच्चे सब सड़कों पर उतर गए। देश भर की दुनिया भर की मीडिया हल्द्वानी पहुंच गई। शहर छावनी में तब्दील हो गया और इसी दौरान यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों के भीतर इन लोगों को हटाना सही नहीं है और जो फैसला था हाईकोर्ट का उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने और ये मामला फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी वनभूलपुरा पर। यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, 80-90% यहाँ आबादी मुसलमानों की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाके का अधिकांश हिस्सा रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। वनभूलपुरा की जमीन पर रेलवे, वन विभाग, राजस्व, नगर निगम का दावा है कि यह जमीन उनकी अपनी जमीन है और यहाँ रहने वाले लोग बाहर से आकर अवैध तरीके से इस इलाके में रह रहे हैं और तभी अतिक्रमण हटाने को लेकर भी लगातार धामी सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की दबंगई देखिए। कल जैसे ही प्रशासन की टीम शाम 4 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए वनभूलपुरा पहुंची तो अतिक्रमण स्थल पर लोग जमा होने लगे। थोड़ी देर में विरोध होने लगा, फिर लोगों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेटिंग हटाना शुरू कर दिया अपने आप ही। फिर जो हुआ वो घायल पुलिसकर्मी खुद बता रहे हैं, सुनिए। बहुत बच के आए, बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया। जो पत्थरें लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। अब हमें अध्ययन नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी, वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है। ठीक है, पहले से दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी। तो कल की हिंसा में 6 लोगों की मौत की खबर है और पुलिस कर्मियों समेत करीब 300 लोग घायल हैं। साथ ही हल्द्वानी समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है। तो ऐसे में हल्द्वानी में अब कब शांति होगी, कैसे क्या होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। हालांकि यहाँ पर कई प्रकार की फोर्सें आ गई हैं और आसपास के शहरों को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। हल्द्वानी से जुड़ी जो भी खबर आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए india.com।